सिंधिया की गढ़ में दहाड़े दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज पर किया जुबानी हमला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा के समर्थन में विशाल चुनावी आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की, वहीं भाजपा और उनके नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जुबानी हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा महाराजा बिक गए लेकिन आदिवासी दलित और गरीब जनता नहीं बिकी। सीएम शिवराज सिंह चौहान तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मामा एकमात्र ऐसे किसान हैं जो एक एकड़ जमीन में 2 करोड़ रुपए की फसल उगाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे दे दो और टिकट ले जाओ। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कई बच्चे पैदा होते ही उनका पालन पोषण नहीं सही से हो पाता है और कुपोषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 रुपये प्रति परिवार को देने की योजना 2011 में कर दी थी। राज्य सरकार को जानकारी इसकी थी लेकिन राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था और 2017 में उस योजना को उन्होंने फिर लागू किया चुनाव के पहले। तो ये कहना गलत है कि जो 1000 रुपये हमारे शहरीय समाज के परिवार में जो पैसा डलता है वो भाजपा के जमाने का है, नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी उसका पैसा है। और अब ये भी बात है कि लाडली बहना में दूसरी बहनों को तो 1250 मिल रहे हैं लेकिन सहरिया की बहनों को नहीं मिल रहे हैं। हमारी सरकार बनती है तो 1000 रुपये केंद्र सरकार का और मध्य प्रदेश के किसारे कमलनाथ जी का नेतृत्व मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1500 वो 2500 रुपये आपको दिए जाए। मैं कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? 130 से ज्यादा। ग्वालियर चंबल संभाग जिसमें सिंधिया ने बोला छोटे भाई बड़े भाई ने बंटाधार क्या कहेंगे? बात ये है भाग गया ना।